मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारी करम, नेकी पर चले हम बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवानी गौतम 2122 पर। इस दिवाली करते हैं एक नई शुरुआत, और उन लोगों के लिए इस दिवाली को स्पेशल बनाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अपनों को गिफ्ट सभी देते हैं, लेकिन ये दिवाली हम उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि काश उनकी दिवाली मन जाए। कुछ दिनों बाद दिवाली है और ज्यादातर लोगों के घर में दिवाली की साफ सफाई शुरू हो चुकी है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली की साफ सफाई में बहुत सारी फालतू की चीजें घर में से निकलती हैं, जिनको हम लोग एक कबाड़ी को बेच देते हैं, लेकिन हम उसे बेचने से पहले ये भूल जाते हैं कि उसमें से बहुत सारा सामान जो कि ना तो टूटा है ना खराब हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे एक कबाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या उस सामान को हम किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिनके बच्चे उन चीजों को लेने के लिए तरस तरस के रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके ऐसा करने से हम समाज की गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक लोगों की हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। आप बहुत ज्यादा खुश नसीब हो कि आपको ईश्वर ने ठीक ठाक परिवार दिया है, आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, आपके बच्चे खुश हैं, आप दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन सोचिए, कुछ लोग दिवाली की शॉपिंग करना तो दूर, वो सिर्फ दो वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। तो हम सभी मिलके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दिवाली में साफ सफाई के बाद जो भी सामान निकलता है और आपको लगता है कि ये सामान ठीक है, खराब नहीं हुआ, सिर्फ आप उसे इसलिए बेच रहे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, तो प्लीज अपने आसपास देखिए, सड़क चौराहे पे या किसी भी ऐसे टेंपल के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो खुद छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं, उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, वो उन चीजों को नहीं खरीद पाते हैं। अगर आप उस सामान को उनको दोगे, आपको उसके बदले करोड़ों की दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं मिलेंगी जो अनमोल है। और आप किसी कबाड़ी को बेचोगे, थोड़ा सा पैसा आपको मिलेगा, और वो पैसा कितने दिन चलेगा वो, और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी कबाड़ी को कोई सामान बेचते हैं, वो बिल्कुल सही हो, बस क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो घर में फालतू जगह घेर रहा है, इसलिए हम उसे बेचते हैं, तो कबाड़ी हमें बहुत कम पैसे देके जाता है, क्योंकि उसको पता है जरूरत तो है नहीं इस सामान की इनको, तो ये बेचेंगे ही बेचेंगे, इसलिए वो अपने मूड के हिसाब से आपको पैसे देता है, और बाद में वो उसी सामान को बहुत ज्यादा ठीक ठाक प्राइस में आगे बेच देता है। और शॉपिंग में आपने इतने सारे भी दिवाली में कपड़े खरीदे होंगे, आप अपने अलमीरा में देखिए, बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जिनको आपने सालों के हिसाब से पहना तक नहीं होगा, तो उन कपड़ों को प्लीज किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिससे उसकी दिवाली मन सके। आपके लिए वो ओल्ड फैशन हो चुके हैं, लेकिन किसी ऐसे इंसान को आप देंगे ना, तो वो सच में इतना खुश होगा, आपको इतनी दुआएं देगा कि आपने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा। तो प्लीज
मेरे कहने पे इस दिवाली ये करके देखिए। दिवाली हम सबकी है और दिवाली पे खुश होना, दिवाली सेलिब्रेट करना, ये हम सबका अधिकार है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो प्लीज ये दिवाली औरों की जिंदगी में रोशनी लाइए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, मेरे पूरे YouTube परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए।